खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे? बस दो स्लाइस की तो बात है। देखिए ना बाबा, आज फिर नाश्ते से इनकार कर रहे हैं, आप समझा ही नहीं ने। नहीं बेटा नहीं, हमारी बहू बेगम को तंग ना करो, शाबाश कर लो नाश्ता, चलो। बाबा आपने नाश्ता किया? बेटा मैं तो सुबह नमाज के बाद ही नाश्ता कर लेता हूँ। हाँ, अरे जैनब भी से गई है, जरा चाय ले आए। अच्छा जैनब, अच्छा, थोड़ा सा खा। देख के जब भी आता है नाश मार देता है। तू अपना काम कर, मुंह ना लगा कर मेरे। क्या मैंने कोई गलत बात कही? तू जब भी आता है किसी न किसी चीज का नुकसान नहीं करता। तू मेरा मत्था ना फिरा, तेरी बात करता हूँ नहीं तो। क्या क्या मैं कहता हूँ? अरे छोड़ इसका हाथ, बच्चे पे हाथ उठाते तुझे शर्म नहीं आती? इसकी उम्र देख और अपने समय बाल देख। तूने देखा नहीं ये मुझ पर हाथ उठा रहा था? नहीं, तूने तो बड़ा से प्यार किया था। कभी कभार तो मेरा बच्चा आता है मुझसे मिलने, वो भी तुझे अच्छा नहीं लगता। अरे तुझे नजर नहीं आता? अरे इसने मेरा गिरेबान पका हुआ था। जवान खून है, तंग करेगा तो ऐसे ही होगा। अरे जैनब क्यों तबाह कर रही है इसको? क्यों अपनी जिंदगी को तबाह कर रही है? तू कौन होता है हमें समझाने वाला? क्या लगता है इसका मेरा मेरा क्या है? किए जा जो तेरे मन में आए, किए जा। बस रहने दे, हमें सबक ना पड़ा। मैं खूब जानती हूँ अपना अच्छा भला। क्या आपके पास बाल के देख रहा है? निकल यहाँ से, निकल। बड़े छोड़ सफा गाड़ी से, चल तू मेरे साथ चल। न पढ़ने का न लिखने का, दिन भर आवारा गर्दी करता है। कम्बख्त बाजी का है? आ रही जी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ भीतर। कोई भी नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी थोड़ी देर हो गई, खुर्रम को चेंज करवाना था ना। अच्छा। तुम कैसी हो उज़्मा? ठीक हो? जी ठीक हूँ। आप हज पे जा रही हैं? हाँ बेटा, मैं हज पे जा रही हूँ। शुक्र है खुदा का, मदीने वाले ने बुलाया है, मेरे तो नसीब ही खुल गए। भाई के लिए दुआ कीजिएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई कहने की बात है। अब उज़्मा तुम जरा किचन देख लो। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी, आखिर हद होती है किसी बात की।
आप क्यों नहीं समझाती इस पागल को? बोलो किस तरह समझाऊं? बच्ची तो नहीं रही अब ये। गजब खुदा का, साल भर होने को आया है, किस तरह जिंदगी गुजरेगी है? आइडियलिज्म की मारी बेचारी, रियलिज्म के जाल में कैसे फंस गई, मुझे तो सोचकर ही हौल आता है। अब तुम ही इसे समझाओ। भाई मैं तो दो और दो चार की कायद हूँ। अब कैसा है वो? दवाई के साथ फिजियोथेरेपी चल रही है, बाकी अल्लाह की मर्जी। भाजी आप हज पे जा रही हैं, दुआ कीजिएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम से बाहर ले आती ना। अब वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते, घबराहट होती है उन्हें। भला ये भी कोई लाइफ है? बीमारी पर किसका जोर चलता है? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। क्यों मुझे क्या हुआ? शक्ल देखी है कभी तुमने आईने में अपनी? क्या हालत बना रखी है अपनी? जिस लड़की का लाइफ पार्टनर इस हालत में हो, भला वो कैसे ठीक रह सकती है? वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, अभी भी मौका है। आखिर तुम्हें कब अकल आएगी? बाजी प्लीज आप लोग मेरे मामले में दखल मत दें। तुम्हारा मामला, हम कुछ नहीं लगते तुम्हारे। बाजी मोहब्बतों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती, तुम अपना मुस्तकबिल क्यों दांव पे लगा रही हो? कैसी बातें करती हो, क्या रोशनी के लिए अपना वजूद जला लूं मैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ट्विंकल ट्विंकल, इतना नहीं करते, अबू को तकलीफ होती है। नहीं मैं नहीं हटूंगा। हटिए यहाँ से प्लीज। चले अच्छा मैं डैडी को किस करूंगा। चले कीजिए। मैं साइड भी करूंगा। भाई चेहरा जरा इस तरफ घुमाए। जाना चाहते हो? नजीर ये टेलीविजन बात कर। जी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोला नजीर साहब जी, मैं चंद दिनों बाद हज पर जा रहा हूँ साहब जी। वाकई? जी साहब जी, जिंदगी में बस यही एक आरज़ू है जी। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। नहीं साहब जी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने जिंदगी भर कमाई करके एक एक पैसा जोड़ कर रखा है साहब जी। मेरा खर्चा ही क्या है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। हाँ भाई नजीर, तुम जरूर जाओ, तो बहुत खुशी की बात है। साहब जी मुझे मुझे छोटे साहब, मेरा मतलब है खुर्रम मियाँ की बड़ी फिक्र है, इनकी देखभाल के लिए किसी ना किसी मर्द का होना बहुत जरूरी है साहब जी। हाँ नजीर, बात तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम इसकी फिक्र क्यों करते हो? मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा साहब जी। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे साहब जी।
अल्लाह मैं आपके लिए जरूर अल्लाह आपको खुश रखे। जादूगर ने बादशाह का हाथ यूं पकड़ा, पता है डैडी फिर क्या हुआ, बादशाह ने अपना हाथ यूं सलाम। बैठो। शुक्रिया। कैसे? बस अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बस ठीक ठाक। खुर्रम कैसे हैं? कोई इम्प्रूवमेंट? नहीं कुछ खास नहीं, अलबत्ता स्टेट्स में एक डॉक्टर है जिन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाई हैं। अब देखिए क्या होता है। मैं खुर्रम से मिलूं? हाँ बल्कि मैंने जैनब को कह दिया, वो लेके आ रही है। सालगुम खुर्रम, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े होंगे। आफाक, आज खुर्रम जो जिंदगी की सांसें ले रहे हैं वो सब आपकी बदौलत है, वरना हॉस्पिटल वालों ने तो इन्हें। कैसी बातें कर रही हैं आप, जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में। नहीं फिर भी अगर आप पर वक्त निशानदेही ना करते तो हॉस्पिटल वालों ने तो इन्हें मुर्दा करार दे ही दिया था। खैर अब इन बातों को छोड़िए, मुझे खुदा पर भरोसा है कि खुर्रम पहले से इंशाल्लाह बेहतर और अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। इंशाल्लाह। मैं जरा जल्दी में, चाय पीजिए ना। नहीं चाय पी किसी और, मुझे एक असाइनमेंट पे जाना। चले जैसे आपकी मर्जी। ओके खुदा। बेटा तुम फिक्रमंद मत होना, बस हफ्ते दस दिन की बात है, मैं मुतवातिर कांटेक्ट में रहूंगा। अबू ये आपका बेटा केस? अच्छा बेटा थैंक यू। अगर आप कहें तो मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी को बुलवा लूं। अरे अरे बेटा इसमें पूछने की क्या बात है भाई, उनका ही घर है। हाँ बुला लो, बिल्कुल बुलाओ। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई देखो जैनब, ये बहू बेगम को बिल्कुल भी कोई तकलीफ ना हो। जी। और हाँ ये जो तुम यहाँ से भाग जाती हो ना बार बार, वो भी ना करना, नजीर बाबा को तुम्हें तंग नहीं करना है। जी हा? अच्छा हाँ, अरे वो नजीर को तो बुलाओ। जी। अरे हाँ भाई नजीर, हाँ अरे आओ आओ इधर आओ इधर आओ। अब मैं आज जर्मनी जा रहा हूँ, शायद तुम्हारी हज पे रवानगी से पहले मुलाकात न हो पाए, बस यही हफ्ता दस दिन लगेंगे। तो ये कुछ डॉलर्स हैं, तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं सर जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास पैसे हैं। अरे नहीं 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 रखो रखो भाई। और हाँ देखो, जो हाजी कैंप की जितनी भी कार्रवाई है ना उसको तुम मुकम्मल कर लेना, ठीक है? और पासपोर्ट और पैसों का खास ख्याल रखना, ठीक है ना? और देखो तहा और शमाला पहले ही भाज पे गए हुए हैं। अच्छा हाँ। अच्छा सर, अच्छा अच्छा। अदीला से उनका पता और फोन नंबर मालूम कर लेना, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो उनसे मांग लेना, ठीक है? भाई सोचा था कि तुम्हारे लिए एक प्रिंसली डिनर का इंतजाम करूं। अरे सर, अरे सर। अच्छा नजीर देखो, मैं ऑफिस के ड्राइवर से कह दूंगा कि तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ा। अरे दूर क्यों खड़े हो भाई, क्या गले लगकर नहीं मिलोगे?
सर मैं तो वैसा। आओ आओ भाई, बस नजीर खुर्रम की सेहतयाबी के लिए दुआ करना है। बड़े साहब जिंदगी में अब इनके सिवा रखा क्या। मुझे याद है जब ये छोटे से थे तो दौड़ कर मेरे बाहों में आ जाते थे और मैं खुशी के मारे झूम उठता था। आज मेरी हालत देखने जाते मेरे रब मेरे परवरदिगार मेरे हबीब के सदके में इस बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा कर दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। अच्छा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा खुर्रम मियां। बेटे तकलीफ आती तेजी से है, जाती धीरे धीरे। दवा और दुआ के साथ मरीज का अपना इरादा भी होता है जो उसे ठीक करता है। अगर आप खुद हिम्मत नहीं करेंगे तो अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे। बाबा अब आप आराम कर लीजिए, सुबह आपको जाना भी है ना। आज तो यहाँ मेरी आखिरी रात है, फिर न जाने जिंदगी रहे या ना रहे। इतना लंबा सफर कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। लगता है वहां पहुंचकर खुशी से मेरा दम निकल जाएगा। अरे बाबा ऐसी बातें तो ना करें, इंशाल्लाह आप हजे मकबूल करके लौटेंगे अपने साहब के लिए। क्यों खुर्रम? और जब मैं लौटूंगा तो अपने हाथ से जमजम पिलाऊंगा इन्हें। सुना है बड़ी शिफा है इसमें। खुर्रमिया बुजुर्ग कहते हैं कि खड़े होकर जमजम पीने की जो फजीलत है वो किसी और चीज में नहीं है, अपने पैरों पर खड़े होकर पीना होगा आपको। और बहू बेगम आपकी बहन शमायला अगर मुझसे पहले भी लौटे तो जमजम इन्हें मेरा ही पीना होगा, अपने पैरों पर खड़े होकर। इंशाल्लाह अपने पैरों पर खड़े होकर, अपने पैरों पर खड़े होकर जमजम इन्हें मेरा ही पीना होगा। भाई आप खुद क्यों नहीं कहते बाबा से दुआ के लिए। छोटे साहब के पास है ये क्या है तेरे आदमी, इसे जल्दी से कहीं छुपा दे।
ये सब मेरा सामान है। मैं हज पे जा रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा, हज पे जा रहे हो? जी। तलाशी लो सामान की। मगर साक्षी, खामोश। तलाशी लो, तलाशी लो, खोलो इसे। हेलो जी, ये जरा आफाक साहब से बात करवाइएगा। हेलो जी, बोल रहा हूँ। हाँ, कैसी हो रीला? आज कैसे याद कर लिया? अच्छा, बाबा तो ऐसे नहीं कर सकते। चले, मैं कुछ देर में पहुंचता हूँ। हाँ, नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ क्या, आज हज पर जाना था? खैर, अब तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ओके। हेलो जी, मैं आफाक बात कर रहा हूँ, दिल्ली नवाज शहर से। हाँ जी, एच एस साहब से बात कर रहा है। टीएसपी साहब के पास बैठे? ठीक है, मैं वही बात कर लेता हूँ जी। थैंक यू। हेलो जी, मैं आफाक बात कर रहा हूँ, दिल्ली नवाज शहर से। एसएचओ अली यार खान डीएसपी के पास बैठे? हाँ जी, मुझे उन्हीं से बात करना है। 10 मिनट बाद। अच्छा, आप उनको बता दीजिएगा कि आफाक ने फोन किया था। ठीक है जी, मेरा मैसेज दे दीजिएगा। ओके, थैंक यू। एक बात मेरी समझ में नहीं आती। वो क्या? आप सोते किस वक्त हैं? क्यों, तुम्हें मेरी नींद की फिक्र क्यों हो गई? आप रात को 3-4 बजे जाते हैं, सुबह फिर आ जाते हैं, आपका घर में दिल नहीं लगता?
भाई तुम्हारा भी तो दिल नहीं लगता, हर वक्त ऑफिस में रहते हो। अब हमारी उम्र कहाँ आ रही दिल लगाने की? अफाक साहब आप शादी क्यों नहीं कर लेते? यार शादी के लिए एक अदद लड़की की जरूरत होती है और लड़की कोई देता नहीं। आपके लिए लड़कियों की क्या कमी है अफाक साहब? आप इशारा तो करें। इशारा किसे? बुजुर्गों को। आप कहें तो मैं आपके लिए लड़की तलाश करूं। रहने दे क्या अपने साइज की लड़की तलाश करेगा? आप मत बोले लतीफ साहब, मैंने तो बड़े बड़ों की शादियां कराई हैं। आप कहें तो मैं आपके लिए भी तलाश करूं। 70-80 साल की? जा रहा है या छोड़ के आऊं? सर आप कहाँ जा रहे? मैं जा रहा हूँ एक काम से, अधीला का फोन आया था। हाँ खुर्रम की बेगम। खुर्रम? लगता है तुम्हारी बढ़ती उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कम होती जा रही है। याद नहीं साल भर पहले एक एक्सीडेंट हुआ था हाईवे पर? एक्सीडेंट तो रोज होते हैं, कौन याद रखे। मैं तुम्हें इसलिए याद दिला रहा हूँ कि जख्मियों को देखने के लिए तुम भी तो मेरे साथ अस्पताल गए थे। याद है तुम्हें वो एक जख्मी नौजवान जिसे मुर्दा समझ लिया गया था? हाँ, वो लंबा चौड़ा खूबसूरत सा, क्या नाम था उसका? खुर्रम। हाँ खुर्रम, अब कैसा है? बेचारा पैरालाइज है, उनके मुलाजिम नजीर बाबा को प्रीज पकड़ कर ले गई है। वो तो बहुत नेक आदमी है। यहाँ आमतौर पर नेक लोग ही पकड़े जाते। मगर किस जुर्म में? अदीला ने बताया कि उनके पास से चोरी का माल बरामद हुआ है। अल्लाह रहम करे। आप कब तक आएंगे? 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। तहमू साहब आए तो उनको बता दे। ठीक है। ये कैसे हो सकता है? वो तो बहुत नेक आदमी है। रहने दे जी, मेरे सामने सामान निकला है, जेवर वगैरह। अल्लाह माफ करे, हज पे जा रहे थे, 100 चूहे खाकर। जैनब फजूल बातें मत किया करो, जाओ जाके किचन देखो। अच्छा जी ठीक है, मैं थाने जाकर बात करता हूँ, मगर उनका फौरी तौर पर छूटना मुमकिन नहीं है। आज तो वो हज पर भी नहीं जा सकेंगे। आपने रजी साहब को इतला की? नहीं, मैंने अब्बू को फोन तो नहीं किया, लेकिन वो आजकल में आ जाएंगे। ये अच्छा, ठीक है मैं अब चलता हूँ, आप परेशान ना हो, मैं एसएचओ से बात करता हूँ। ठीक है, खुदा। क्या हो गया मेरे मौला, मैं तो बेगुनाह था, फिर ये मुसीबत मुझ पर क्यों आई है? ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या मैं हज बैतुल्लाह से महरूम रह जाऊंगा? तेरे घर के तवाफ की जो फजीलत मुझे मिलने वाली थी, मैं उससे महरूम रह जाऊंगा? नहीं मेरे मौला, नहीं, जिंदगी में सिर्फ यही एक आरजू थी, यही एक तमन्ना थी मेरे मौला, कि मैं हज बैतुल्लाह करूं, तेरे घर का तवाफ करूं, हजरे असफत को बोसा दूं। मेरे मौला ये सब क्या होगा? नहीं मेरे रब, मेरी मैं फरियाद करता हूं तुझसे, परवरदिगार मेरी इस तमन्ना को, मेरी इस आरज़ू को पूरा कर।
समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ कैसे हो गया। नजीर तो ऐसा आदमी नहीं था। पुलिस ने जैनब के सामने चोरी का माल बरामद किया। हाँ साहब हाँ। और नजीर ने क्या कहा था? कहना क्या था, बस खामोश खड़ा रहो। भाई मुझे तो यकीन नहीं आता, पर वो ये सब कुछ करता किस लिए? ये तो उसको ही पता होगा जी। आप लोगों ने किसी वकील वगैरह से बात की है? एक वकील किया है, लेकिन पुलिस ने 21 दिन का रिमांड ले लिया। अब हम भी किन चक्रों में पड़ गए। आप अभी तो आए, आराम कीजिए प्लीज। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, नजीर बाबा बहुत वफादार मुलाजिम थे और उन्होंने तो आज तक एक पैसे की हेरा फेरी नहीं की, तो फिर वो ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? तभी तो पकड़ा गया बेचारा, वरना हेरा फेरी करने वाला भी कभी हाथ आता है क्या? नहीं बेटा तुम ये बात नहीं समझ रहे हो, मैं तो एक और बात सोच रहा हूँ। जिस शख्स ने भी ये शरारत की है, अगर वो ये चीज हमारे सामान में रख देता तो हमारी कितनी बदनामी होती। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। नजीर बाबा ने सारी बला अपने सर ले ली। वालेकुम अस्सलाम आफाक भाई, तुम बहुत अच्छे मौके पर आए। आप कब तशरीफ लाए? मैं तो आज ही आया हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। नजीर बाबा तो ऐसे आदमी नहीं थे और उन्हें तो कल सुबह फ्लाइट से हज पे जाना था, अब वो कैसे जाएंगे? रही साहब अब वो कभी हज पर नहीं जा सकेंगे। क्या मतलब? मैं अभी सिविल अस्पताल से आ रहा हूँ। नजीर बाबा हवालात में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर। जल्दी बुलाओ ना, कहाँ रह गए खुर्रम? अरे बाजी इतनी बेसब्री भी क्या है, अभी बात लेकर आ ही रहे होंगे। क्यों ये मौजा नहीं हो गया? हज पर जाने से पहले तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि खुर्रम से इस तरह मुलाकात होगी। ये सब आपकी दुआओं का फल है जो आपने वहाँ की होंगी। वहाँ हज में आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हज तो नाम ही तकलीफ बर्दाश्त करने का है। कर रही हो भाई? माशाल्लाह वो खुद चल के आ रहा है, उसको आने दो। बैठो तुम लोग, आओ आओ बेटा बोलो। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम आप तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए। अगर आप ये हिम्मत थोड़ी सी पहले कर लेते तो हम सब हज पर साथ न चले जाते। अल्लाह की मर्जी यही थी। इंशाल्लाह अगले साल मेरा बेटा जाएगा बहू को लेकर। आदम बेटा जाओ तुम अपने डैडी के पास जाकर बैठो। कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब। अब बताओ ना क्या कुछ लाई हो वहाँ से? आप फिक्र ना करें, ये मेरा और मेरी बहन का मामला है। मैं जो कुछ इनके लिए लाई हूँ वो अलहदा बांध कर रखा है। फिलहाल तो ये खजूरें। फिलहाल तो ये खजूर और आबे जमजम दे। खुदा का लाख लाख शुक्र
कि उसने मेरी बहन की सारी मुसीबतें दूर करी। नहीं खुर्रम भाई, इस तरह नहीं। आपने वादा किया था ना कि आप अपने पैरों पर खड़े होकर आबे जमजम पियेंगे। हाँ हाँ, आबे जमजम तो अपने पांव पर खड़े होकर ही पिया जाता है। हेलो जी, बोल रहा हूँ। जी हाँ, यही काम करती है। कौन, कैसे? ओह नो, ओह नो। ज़ैनब। जी जी सर जी। तुम्हारा बेटा बोले क्या हुआ मेरे बेटे को? एक डकैती के दौरान पुलिस मुकाबले में मारा गया। क्या किया? मेरी छोटी सी गलती, साथी मुझे माफ कर दे, साथी मुझे माफ कर दे। किस बात की बात? नज़ीर बेकसूर था, चोर नहीं था। मेरे बच्चे की वजह से पकड़ा गया, उसकी मौत मेरे वजह से हुई। मैं कातिल उसकी, मैं कातिल। मौत? किसकी मौत? नज़ीर बाबा की। वो अपनी ख्वाहिश के बावजूद हज पर ना जा सके और पुलिस की हिरासत में दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल कर गए। नज़ीर बाबा इंतकाल कर गए? मगर वो तो हमारे साथ हज पर मौजूद थे। उन्होंने अपने हाथों से ये खजूरें और आबे जमजम खुर्रम के लिए दिए थे। उन्होंने तो खुर्रम के लिए बहुत दुआएं भी की थी। हाँ अलबत्ता, वो ज़ैनब और इसके बेटे से थोड़े खाइफ थे। उन्होंने कहा था ये आबे जमजम खुर्रम को अपने हाथ से पिलाना, वो जब तक अपने पैरों पर खड़ा हो चुका होगा। और जब मैं लौटूंगा तो अपने हाथ से जमजम पिलाऊंगा। सुना है बड़ी शिफा है इसमें। खुर्रमिया, बुजुर्ग कहते हैं कि खड़े होकर जमजम पीने की जो फजीलत है वो किसी और चीज में नहीं है। अपने पैरों पर खड़े होकर पिलाऊंगा। और बहु बेगम, आपकी बहन सुमायला अगर मुझसे पहले भी लौटे तो जमजम इन्हें मेरा ही पीना होगा, अपने पैरों पे खड़े होकर। Thank you.
Allah.